या सास पास है। नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं शंखनाद, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान यास का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान कल दोपहर ओडिशा में बालासोर के पास टकराएगा। यास तूफान से पहले बालासोर में तेज बारिश हो रही है। अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बालासोर में तूफानी हवाएं चल रही हैं। समुद्र तट को फिलहाल खाली करवाया जा चुका है। ओडिशा में समुद्र का जलस्तर भी बढ़ना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एहतियातन प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। कल ओडिशा के बालासोर में टकराएगा यास तूफान। कल दोपहर ओडिशा के बालासोर के पास टकराएगा। दोपहर में ही रात का नजारा हो जाएगा। तूफानी हवाएं चलेंगी और समंदर की लहरें आसमान को छूने के लिए बेताब हो जाएंगी। इसी वजह से एहतियातन वो तमाम कदम उठाए गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक की ओर से भी और इसके अलावा केंद्र की ओर से भी लगातार इस हिस्से पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि जहां जहां तूफान का खतरा मंडरा रहा है वहां वहां से लगातार समुद्र किनारे जो मछुआरे हैं उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। उस पूरे के पूरे हिस्से को खाली कराया गया है और एहतियातन तमाम वो बड़े और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से मुनादी भी की जा रही है ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। अगले कुछ दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यास तूफान से पहले फिलहाल बालासोर में तेज बारिश हो रही है और आपको ये भी बताते चले कि सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस तूफान का सीधा असर देखने को मिलेगा। और इसी के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं ये काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। कमलजीत संधू हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी भी अपने संवाददाताओं के पास हम चलेंगे, लेकिन कमलजीत सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि आपके पीछे समंदर में ऊंची लहरें भी हम देख पा रहे हैं, हालांकि देर शाम का ये वक्त है, कुछ ही देर में रात और ज्यादा गहरा जाएगी, किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगी और कहां पर आपकी मौजूदगी है इसके बारे में भी बताइए आप। बंगाल की खाड़ी में उफान आ चुका है। साइक्लोन यास ने अपनी दस्तक दे दी है और आपको दिखा दें जो लपटें हैं अब वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें यहाँ पे कई पौड़ियाँ नीचे तक थी पहले और अब आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आते जा रहे हैं और साथ साथ हम भी ऊपर आ चुके हैं। और आपको बता दें रात भर बारिश होगी जिसके बाद साइक्लोन यास का जो असली प्रकोप है वो नजर आएगा सामने। हमें बताया गया है कि जो आसपास के पेड़ है वो भी उखड़ सकते हैं, मोबाइल फोन टावर्स हों या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स हों। इस वजह से एहतियातन काफ़ी जो तटीय इलाके में जो पॉपुलेशन है उसे पीछे किया गया है। आसपास के 60,000 के लोग हैं वो उनको पीछे हटाया गया है। हालांकि ये जो इलाका है ये पश्चिम बंगाल के साथ मिलता हुआ है और इसी वजह से ये यहाँ की जो जितनी भी पॉपुलेशन है उसे पीछे किया गया है। अगर हम हवाओं की बात करें तेज़ हवाएं अभी से चलने लग गई हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें चुनौती सिर्फ साइक्लोन की नहीं है लेकिन COVID-19 पैंडेमिक की भी है। आसपास अस्पताल हैं जहाँ पे कई मरीज भर्ती हैं, वेंटिलेटर पे हैं, ICU पे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और उनको दिशा निर्देश दिया गया है सरकार द्वारा और गृह मंत्रालय द्वारा कि बिजली की सप्लाई किसी हद भी रुकनी नहीं चाहिए, चाहे तूफान आए चाहे उफान आए। और सभी अस्पतालों ने अब बैकअप तैयार किया है लेकिन अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी अहम रहेंगे। दूसरी बात है कि जो मछुआरे हैं जो पीछे आ चुके हैं उनके परिवार वालों को जो ले जाया गया है साइक्लोन रिलीफ सेंटर, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मुश्किल हो पा रहा है लेकिन ये चुनौती की रात है। अगले 24-48 घंटे उनके लिए भी बहुत अहम है। यकीनन ये 24 और 48 घंटे काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं। ओडिशा के बालासोर से लगातार कमलजीत आपको ये अहम जानकारी देते रहेंगे। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से भी हमारे तीन सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीघा पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। अनुपम मिश्र वहां से हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, आप किस तरह की तैयारियां प्रशासन और सरकार की ओर से देख रहे हैं और पीछे की तस्वीरें दिखाइए, अभी क्या स्थिति है दीघा में?
जी बिल्कुल, दीघा दरअसल उड़ीसा का बॉर्डर है और जो इंडिकेशन अभी मेट ऑफिस से हमें मिल रहे हैं वो ये है कि ये तूफान साइक्लोन यास धामरा पोर्ट की ओर बढ़ रहा है। धामरा पोर्ट भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है, बालासोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर, तो लैंडफॉल की जो संभावना जताई जा रही है वो बालासोर से धामरा पोर्ट के बीच में, और धामरा पोर्ट से दीघा की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास है और बालासोर से दीघा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, और जब ये लैंडफॉल होगा तब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवाएं बहने का अंदेशा जताया गया। तो इनमें दो मुख्य चुनौतियां हैं और हर तूफान में इस तरह की चुनौतियां होती हैं। एक होती है कि इवैक्यूएशन प्रोसेस, जिससे जो जान माल का नुकसान है, जान का नुकसान है, वो कम हो, और उसकी कोशिश इस बार पूरी तरह से की गई है। पिछले साल अम्फन तूफान ने जो कहर बरपाया था उसको देखते हुए इस बार काफी पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी, तो लगभग 9 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। दीघा में भी कई साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं जहां पर लोगों को रखा जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए। और दूसरी जो तैयारी होती है वो पोस्ट लैंडफॉल होता है। लैंडफॉल के बाद जो कहर बरपा कर हवाएं जाती हैं उसके बाद रास्तों को क्लियर करना, जो घर टूट गए हैं वहां पर जाना, जो अगर लोग फंसे हुए हैं वहां से उनको निकालना, तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहां पर अंदेशा होता है कि यहां पर भारी तबाही हो सकती है, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम, सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस की टीम तैनात की गई है। कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके जान का नुकसान कम हो आखिर, लेकिन जो संपत्ति का नुकसान होगा वो हवाओं के चलने के ऊपर निर्भर करेगा। 185 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से बना हुआ है। दोबारा आप रुख करेंगे, सुरियानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही इंद्रजीत कुंडू भी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन अपने आप में अम्फान तूफान के बाद हम सब ने देखा था किस तरह से उस तूफान ने भारी तबाही मचाई थी, इसी वजह से एहतियातन हर कड़े और बड़े कदम इस वक्त सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। सबके बीच चक्रवाती तूफान यास का काउंटडाउन